मकैनिकल हेजरस एंड मशीन सेव गार्डिंग टू कोल्ड स्ट्रेस कोल्ड स्ट्रेस में दो एक्सट्रीम सिचुएशन होंगी या तो आप लोगों का टेम्परेचर बहुत लो होगा कि एक एक्सेप्टेबल रेंज से नीचे चला जाएगा या उससे बहुत ऊपर निकल जाएगा अब दोनों चीज़ें जो एक्सेसिव हैं वो हमारे लिए बैटर वे में यूज नहीं होंगी और ये इंसानी बॉडी के लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है यहाँ पर डी स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं डाइग्राम को 99.6 नाइन पॉइंट सिक्स नॉर्मल रेक्ट्रल टपरेचर नाइन्टी सिक्स पॉइंट एट मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज नाइन्टी फाइव प्रोनाउंस शिविरिंग नाइन्टी अगर बिलो नीचे चले जाए कार्डिक स्टैंड स्टिल अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या हैं ये बेसिकली बॉडी रिस्पॉन्स है किन के अगेंस्ट इन टेम्परेचर की लिमिट्स के अगेंस्ट अब यहाँ पे जो 99.6 है ये नॉर्मल है जब इससे ब्लो जाएगी तो प्रॉब्लमेटिक है इससे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका एक्सीड करना शुरू कर देगा जिससे हम कहते हैं कि शख्स को बुखार है तो ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें नेक्स्ट एक्चुअल टेम्परेचर फॉर हाइट एंड एक टेम्परेचर विंड स्पीड फाइव फिफ्टीन टवेंटी फाइव थर्टी फाइव इन माइल फार फिफ्टी फोर्टी एट ये एक्चुअल टेम्परेचर विद रेलिट एक टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट ऑफ विंड अगर विंड है तो उसका इफेक्ट आओगी बॉडी पे क्या होगा यहाँ पे ये डी स्टूडेंट्स ये देखें माइनस में अगर आप माइनस में चले जाते हैं तो उसका इफेक्ट लेकिन ये माइनस में आप गए क्यों जब विंड की स्पीड एक्सीड करेगी एक स्पेसिफिक लिमिट से तो उस वजह से ये चीज़ कूलिंग में मूव कर जाएगी प्रिवेंटिंग कोल्ड स्ट्रेस इसको प्रिवेंट कैसे करना है वेन द इक्वलेंट एयर टेम्परेचर रिचिज थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड और ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स डिग्री फार एन हाइट कंटिन्यूस एक्सपोयर ऑफ एक्सपोज स्किन शुड नॉट बी अलाउड अब इस टम्परेचर जो इतना ब्लो है वहाँ पे आपकी जो बॉडी है उसको एक्सपोज नहीं किया जा सकता अगर आपने बहुत अच्छे वार्म ड्रेस नहीं पहने हुए तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो जाती है यही रीज़न है कि जब आप लोग नॉर्डर्न एरियाज़ में नारान कगान साइड पर गिलगित साइड पर या मदी साइड पर पाकिस्तान के इलाकों की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ इसी तरह अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल लें यू के अंदर स्विट्ज़रलैंड की यूके के अंदर सारी यूके के अंदर पर्टिकुलर जो हम लोग बात करते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक सिटीज़ हैं और स्पेसिफिक रीजनज़ हैं अगर स्पेसिफिक सिटीज़ की बात करूँ तो जैसे ग्लासगो है वहाँ पे स्कॉटलैंड है रीजन है वहाँ पे आगे अबर्डीन है सेंट एंड्री है स्ट्रलिंग है डंडी है ये वो इलाके हैं जो स्कॉटलैंड के हैं इसी तरह अगर एक और कंट्री स्विट्जरलैंड की बात करूँ तो यहाँ पर देखा यह गया है कि जब आप इन इलाकों में जाते हैं तो आप एडवाइज़ लेके जाते हैं वट शुड यू वी एर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपके पास वार्म क्लोज नहीं है ऑटोमेटिकली वहाँ पे चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी का सामना कर पड़ सकता है इसी तरह डी स्टूडेंट्स ये देखें प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिंग कोल्ड सर्ट्रेस प्रिवेंट कैसे करना है एयर टेम्परेचर मैक्सिमम वर्क टाइम अगर एयर टेम्परेचर इस रेंज में स्टैंड कर रहा है तो आप मैक्सिमम 75 मिनट्स काम कर सकते हैं वट यू हैव टू नीड नंबर ऑफ ब्रेक्स टू रिक्वायर्ड है इसमें इसमें नंबर ऑफ ब्रेक थ्री रिक्वायर्ड हैं क्यों Temperature change हो गया air temperature. 40 minutes, breaks. 55 minutes, breaks. कहां पे? अगर ट्रेन माइल पर आर विंड चल रही है तो फोर्टी मिनट के लिए फोर ब्रेक्स थर्टी मिनट्स के लिए फाइव नॉन एमरजेंसी वर्क प्रोहिबिटेड अब ये जितनी भी एग्जाम्पल है ये आप लोगों के लिए हमने ड्रा की है इन सब का एक मकसद है कि अगर स्पेसिफिक कोल्ड स्ट्रेस में आप मूव कर रहे हैं तो उसके एसओपीज को हमने फॉलो करना है अदरवाइज आप उसका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते बर्नस एंड देयर इफेक्ट सम टाइम इस चीज़ को कॉमनली देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है और आप सबको मालूम है कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हिस्सा स्किन पे ही मुशतमल है तो बर्न कैन बी स्पेशली डेंजरस बिकॉज दे डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द स्किन विच इज द बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अदर ऑर्गन जितने भी बाकी ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट किस चीज ने किया हुआ है सारी बात है, स्किन ने किया हुआ है अगर स्किन ही बर्न होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट नीचे तक जाना शुरू हो जाएगा डी ए स्टूडेंट्स ये देखें बर्न एंड देयर इफेक्ट्स ह्यूमन स्किन रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन सिक्रीशन रेगुलेशन सें प्रोटेक्शन ह्यूमन स्किन इज दफ कॉन्टिन्यूस आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी ये इसकी मिस्टिकल डेफिनेशन भी है इसको मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए ह्यूमन स्किन इज द टफ दफ आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू मेन लेयर नंबर वन द आउटर लेयर एंड नंबर टू इनर लेयर अब इंपॉर्टेंट ये दो लेर हैं आउटर प्रोटेक्ट करती है आपकी एक्सटर्नल चीजों को और इनर विद इन द बॉडी जो एग्जिस्ट करती है उसको इनर लेयर हम बोलते हैं बर्न एंड देयर इफेक्ट ऑफ बर्न फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री माइनर बर्न मॉडरेट बर्न स्वियर बर्न में बेसिकली आगे तीन चीज़ें हैं माइनर बर्न दरमियान में है मॉडरेट बर्न फर्स्ट लेवल पे अगर आप मुझसे पूछें तो स्टार्ट में पहली सिचुएशन मॉडरेट बर्न है जो कि कंट्रोलेबल है मॉडरेट एवरेज है एवरेज को भी मॉडरेट हम बोलते हैं माइनर सबसे कम स्वियर सेवनटी बर्न की सेवनट्री थर्ड डिग्री ये सबसे ज़्यादा क्रूशल है यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर उसके एस के मुताबिक किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा बैंडेज या जो चीज़ें भी वो रिकमेंड करें उसका यूज़ करना होगा